जितने लोग यहाँ दिख रहे हैं ना, ये सब यहाँ फोटो खींचना है। ये परारा रोड बहुत फेमस है गोवा का, यहाँ बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई आपने देखा होगा। और ऐसा है ये स्टॉपिंग, लेकिन अपने इंडियंस हर चीज में आगे रहते हैं रूल्स तोड़ने में। देख ले भाई, ये देख, ये है गोवा का जलवा। ओ भाई, सब फोटो शूट कर रहे हैं यहाँ पे। ये परारा रोड फेमस, यहाँ पर शायद आलिया भट्ट भी आपको भागती हुई दिखी थी एक बार फिल्म में। तो दोस्तों, यही था परारा रोड। फोटो खिंचाने का मन था, लेकिन वहाँ नो पार्किंग नो स्टॉपेज लिख के रखा उनने। और लोग थोड़े टिकटॉकर टाइप जैसे लोग बहुत यहाँ जमीन पे बैठ बैठ के फोटो खींच रहे। टिकटॉक बैन हो गया, लेकिन अभी भी लोग अंदर का वो क्रेज गया नहीं है, इसलिए हम निकल के आ गए परारा रोड से। अच्छी रोड है, बहुत पेड़ ही पेड़ थे, लेकिन कुछ मजा नहीं आया, इसलिए हम जा रहे हैं अब। Thank you.
अब इसे सी व्यू पॉइंट बोलो या जैपनीज गार्डन बोलो, विंसेंट ये दोनों एक ही जगह है भाई, एक ही बात है। इतना दूर आए और हमें ये गार्डन देखने को मिल रहा है, उसमें रेटिंग ऐसी दी हुई थी कि ये बहुत अच्छा है। आई थिंक ये सनसेट के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, सनसेट पॉइंट भी है ना अभी। बेस्ट है सनसेट पॉइंट के लिए। आपको दिखा देते। ओ भाई आवाज है, ओ नीचे है भाई, बीच है क्या? अबे यहाँ जाते हैं इस पे लोग, मैंने सुना है ये नीचे बीच है। पानी की आवाज क्या आ रही है? आप देख सकते हैं सनसेट। तो ये है जैपनीज गार्डन, वो छोटा सा है लेकिन ये सनसेट एंजॉय करने के लिए ही बना है बस। ये है खेलने के लिए, यहाँ का सनसेट बहुत अच्छा होगा लग तो रही है। बड़ी प्यारी जगह है, तो प्यारी जगह। दोस्तों ये है व्यू पॉइंट, इनका गार्डन बनाया और नीचे बीच भी है शायद। बीच पे जाने का रास्ता तो है लेकिन कोई दिख नहीं रहा। सनसेट पॉइंट नीचे जाने का रास्ता है। पहले मैं लग रहा था सिर्फ सनसेट पॉइंट है लेकिन वहाँ बीच भी है, जाने का रास्ता दिया हुआ है। अब हम नीचे जा रहे हैं, इस गुफा में से निकल के जाएंगे हम लोग सीधा बीच पे। चलो उधर कहाँ बीच, इधर है। जाने का बीच पे, यह वाला बीच बड़ा अननोन सा है। जैपनीज पार्क लिख के रखा लेकिन नीचे बीच भी है ये किसी ने बताया नहीं यार।
दोस्तों यही था तासा बीच, और कुछ नहीं है। बाहर जैपनीज पार्क लिख कर रखा है, लेकिन ये बीच ही है अंदर।